अरे भाई ये तो कुछ बड़ा ही खतरनाक सीन है, ये रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अरे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, धक्का लगाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। भैया जी नमस्कार। हाँ जी भैया, तो बात यह है कि हम लोग कर लियो अटैक सेक्सी ब्लॉग्स को। सेक्सी ब्लॉग जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है और हमारे हाथ में आ गया भंडार मेज नाउ टेकिंग ओवर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। बात यह है आज हम लोग जाएंगे बहुत दूर और भैया जी को फिर से आ रहा है नींद। और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं चिकमले। कौन सा लेक भाई? चंद्रताल। हर चीज हम लोग दुनिया का ऊपर छोटा बड़ा सुंदर ऐसे ही करते रहते हैं। बात ऐसा है अभी भी हम लोग है यहाँ आजा में जा रहे हैं चिचम ब्रिज, समझ गए? बहुत नाम सुने तो देखे जरा कहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाम लिखने का कोई फायदा तो नहीं, मतलब कुछ तो होगा। यहाँ के जो लोग हैं पर उनका मानना है इस वगैरह आप उसे लिख देते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहला मानना है कि प्रेयर फ्रेस लगाने से कुछ भी अनसर्टेन नेगेटिव वाइब्स हट जाएगी, पॉजिटिविटी फैलेगी हवा में, कुछ भी गलत घटना नहीं होगा, एक्सीडेंट से बचेंगे आप, मतलब हम लोग सुरक्षित घर पहुँचेंगे। इसका नाम लिखने इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जितना जल्दी फटेगा ग्रह उतना जल्दी जाएगा। अंकित और अदर शेखर, मेरा नाम तो हो गया खुशी, लिख दीजिए। सुनो दोनों कैमरे इधर करो, नेटिंग इग्नोर करना ठीक है। तो अब फाइनली हम निकलने के लिए तैयार हैं। बाइक दो उधर, मेरी भी उधर ही थी। धूप में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने थोड़ा देर छाया में डाल दिया है बाइक, जो पूरी तरह से ठंडा हो गया। हम इस जगह में रुके हैं IPH रेस्ट हाउस, ये सरकारी रेस्ट हाउस है जल शक्ति विभाग। तो अगर आपका कहीं से कोई कॉन्टेक्ट है सरकारी लोगों से तो आप यहां रुक सकते हो, और नहीं तो सभी लोग को ये नहीं देते है। वैसे बहुत सस्ता था तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमें मिला था राकेश भैया। राकेश भैया कौन है? इसके लिए आपको विलेज वाला जहाँ हम लैंडस्लाइड में फंसे थे वो एपिसोड देखने की जरूरत है। वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप में फ्यूल कराने का टाइम आ गया दूसरी बार। वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट HPSESE काजा। आज हम जा रहे हैं एशिया हाईएस्ट ब्रिज चिचम ब्रिज। आज तो निकलने के साथ ही आंधी तूफान शुरू हो गया था। हम चिचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। सामने का नजारा कुछ ऐसा है, उधर कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, चाय बिस्किट ये सब। और इसके आगे बारिश हो रही है। चिचम ब्रिज तो है ही मजेदार, अभी ये स्नो नहीं था रवि हो गया और अभी और भी हो रहा है। तो चिचम ब्रिज के बढ़िया बढ़िया नजारे हमने देख लिए। चंद्रताल लेक की ओर हम बढ़ चुके हैं। एक ग्लव्स मेरा चिचम ब्रिज के पास कहीं गिर गया, पता नहीं मिला भी नहीं। अब एक हाथ में ग्लव्स लगा के चल रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरे पास विंटर ग्लव्स है जिसका मैं यूज करूंगा। हिमाचल प्रदेश में एंटर करने की पहली बार मैं ऐसे प्लेन जगह देख रहा हूँ। हल्का हल्का बारिश फिर से बूंदा बूंदी शुरू हो गई है। हमारी प्रार्थना तो यही रहेगी कि बारिश ना हो। और ऑफ रोड चालू हो गया है तब रोड में ध्यान देने की बारी आ गई है। क्या हो गया दोस्त? टेंट टूट गया बच्चों का। अभी यहाँ ब्रिज है, एक समय में ये वाटर क्रॉसिंग हुआ करता था। पहले ये सब राइट टफ था, अब मुझे जो लगता है मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, ये कुछ लोगों ने ये सब जगह को हवा बना के रख दिया कि बहुत खतरनाक है। तो काले बादल अब हमारे ऊपर से हट चुके हैं, खुला आसमान के नीचे हम नादान परिंदे के जैसे घूम रहे हैं। अरे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है बे। सिंह देख रहे हो इनके, इतना कड़क तेज है भाई, जिसको मार देना उसका तो बस हो ही गया। अरे याक याक याक, इधर ये याक भी है, नीचे कुछ याक है, कुछ बैल गाय। ओ भाई क्या हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। और अंकित भैया और छोटू भैया गिर गए बाइक से। कैसे गिर गए? हम तो ब्रेक मारेंगे तो चल जाएंगे। उस टर्न पे ही दोनों गिरेंगे। हमको भी देख के लग रहा था एक बार कि आप लोग डिसबैलेंस हुए वहाँ पे, तो पहले उठा लीजिएगा कि क्या कर रहा है। ब्रेक नहीं मारेंगे कि और फिर आ जाते हैं। नहीं सही किया, ब्रेक मारते तो दिक्कत होता है। ले लिया ना ऐसे, ले लो कि एकदम गिर गए, हट 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 ऐसे गिर गए। आपदा को अवसर में बदल रही है हमारे मित्रगण। गाड़ी उठाइए गाड़ी। तेल लीक कर रहे हैं।
2, 1 जय बजरंग बली। चोट नहीं लगाना किसी को, ना ना, धीरे में थे लेकिन पूना पे थे। हाँ हम देख ही रहे थे, आप ही लोग को देख रहे, आप ही लोग का स्टाइल मारने को देख के हम कैमरा ऑन किया, जैसे ही ऑन किया देख रहे आप लोग गिरे हुए है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुआ होगा, हम कैमरा ऑन किया कैमरा को देख रहे। बढ़िया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हाँ ये गार्ड जो होते है ना, आप लोगों को लगता हो क्या ये फालतू बवासीर लगा के घूम रहे हो, भाई ये बहुत अच्छा चीज है, दोनों लोगों ने लगा रखा था जिसकी वजह से एक छोटा सा स्क्रेच भी नहीं आया। तो सबसे पहले आप जब गिरोगे ना, ग्लव्स नहीं रहेगा, हाथ छिलेगा, ये वाला पोर्शन नहीं छिलेगा, मतलब जितना भी मुड़ने वाला पॉइंट है ना यही सब छिलता है। तो इसलिए ये सारा एक्सेसरीज को हल्के में मत लेना अगर आप भी कोई राइड कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप राइडिंग जैकेट ही खरीदो क्योंकि वो बहुत महंगा आता है, हमारे बजट से बाहर होता है, लेकिन आप ये चीज खरीद सकते हो, 1000-2000 में आ जाएगा। अब उनका गिरना देख के तो मेरा कांप गया भाई, अब मुझे ग्लव्स लेने पड़ेंगे या तो विंटर ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ चोट लगा ना भाई, यहाँ क्या शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगे वो तो शरीर का हिस्सा है भाई। चाय दो, कॉफी दो। इस जगह में हम रुके थे लंच करने के लिए, सामने क्या लिखा हुआ है, LOC 132 किलोमीटर, जो कि हम जाने वाले लेकिन आज नहीं जाने वाले, आज हम बस चंद्रताल लेक तक जाएंगे जो कि यहाँ से और पता नहीं कितना किलोमीटर है, 30-40 तो होगा। लोसर विलेज से हम पार कर रहे हैं और नो नेटवर्क जोन यहाँ से शुरू होता है। ये क्या है और क्यों है, चेक पोस्ट है गाइस। शेखर कुमार, जी हाँ, थैंक यू। हाँ मनाली जा रहे हैं लेकिन आज चंद्रताल रुकेंगे, उधर कैंपिंग कर रहे हैं, दो लोग होंगे जैसा कि देख के लग रहा है मुझे, हाथ भी हिला रहे। ये होती है बाइकिंग ब्रदरहुड, ये भी मेरे बकेट लिस्ट में है कि ऐसे व्यू में कैंपिंग करूं, पर उसके लिए थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा, अपने आप को इस माहौल में ढालना पड़ेगा, वही तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे जगह पे ना आपको नेटवर्क मिलेगी ना कुछ भी नहीं, रात को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको शेर भालू बाघ कुछ भी आके खा जाए, चौक सपाट ऐसा कुछ होगा नहीं, जितना खतरा होगा उतना ज्यादा मजा आए। ये ट्रिप हम लोग के लिए कितना खतरनाक, लैंडस्लाइड हुआ और भी क्या, घ्यू मोनेस्ट्री वाला अगर आपने देखा है भाई साहब, वो तो सबसे डरावना था। यहाँ हम रिस्क लेने नहीं आए, हम रिस्क लेके ही यहाँ आए, समझ रहे हो। हाँ हम रुके हैं आपको एक खूबसूरत से नजारा दिखाने के लिए। असली ठंड यहाँ से शुरू होता है चंद्रताल। अब हम पहुंचने वाले तो नहीं है लेकिन पहुंचेंगे, अभी भी लगभग 30 किलोमीटर पीछे ही है जो अभी मैंने विंटर ग्लव्स लगाया ना। अरे रे चढ़ेगा कि नहीं, चलो चलो गुड्डे भैया में पावर बहुत है जी। ये जो मैंने अभी विंटर ग्लव्स लगाया है ना, ये बाइक चलाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ग्रिप ही नहीं बन पा रहा है अच्छे से, एक्सीलेटर बार बार छूट जा रहा है। ऐसे पहाड़ों वाले जगह पे आप हल्के एक्सीलेटर पे तो बाइक नहीं चला सकते। चलो अरे बर्फ के पहाड़ तो अब और भी सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा करीब आज वाले दिन में ही बर्फ के पहाड़ है, छूने को मिल जाए बस, ये सपना तो मेरा कब से। जब मैं थोड़े दूर में था ना तो मुझे लग रहा था ये रोड से ही होकर ये पानी बह रहा है, अगर ये रोड से होकर गुजर रहा होता तो वाटर क्रॉसिंग भाई साहब इतना खतरनाक वाला, शाम होते होते पानी का बहाव तेज हो रहा है, आपको इस जगह से अंदाजा लग रहा होगा। स्पीति जांस्कर राइड में अब तक हमें जितने भी ऑफ रोड मिले हैं ना, उसमें से सबसे खतरनाक और गंदा वाला ऑफ रोड यही है भाई साहब, हालत खराब हो जा रहा है यार। अरे यार फंस गए क्या, पीछे जाए, यही तो दिक्कत है पहाड़ों में। चलो निकल गया, शाम के 6:30 इतना कड़कता धूप, वो अलग बात है कि ये धूप हमें कड़कता नहीं लग रहा है, बस देखने में कड़कता लग रहा है क्योंकि ठंडा मौसम इतना ज्यादा है, ये कड़कता धूप हमें जरा सा भी धूप जैसा नहीं लग रहा है। कुंजुम पास से अब हम लगभग 5-6 किलोमीटर ही दूरी पे है और यहाँ से एक शॉर्टकट का इशारा दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बाइक थोड़ी सी डगमगा रही है, पर कोई बात नहीं, चढ़ाने का तो हम चढ़ा ही लेंगे। क्या बोल रहे, इधर इधर जाए, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, मोमेंटम नहीं छोड़ना, जय भोलेनाथ, अरे रे रे अरे रे रे, जय भोलेनाथ। अरे गुड्डू भैया भी किसी से कम है क्या भाई साहब, एक नंबर में भी बाइक नहीं जा रही है, कितने एल्टीट्यूड पे हैं हम, ये कैसा शॉर्टकट है जी, इधर से कहाँ आए जब रोड उधर है, तो हम तो सोच रहे थे मेरा बाइक नहीं चढ़ेगा। चलो जय भोलेनाथ, चल जाइएगा। यो
गया हम अपने गुड्डू भैया को लेकर। कुंजुम टॉप भी पहुंच चुके हैं। एल्टीट्यूड है 4590 मीटर। उधर पर जमा हुआ पहाड़ी, सामने तो बहुत ज्यादा जमा हुआ पहाड़ी, और इधर लिखा हुआ है कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और अगर मैं ज्यादा चिल्लाया ना तो सांस फूल सकती है, लेकिन जब इतना दूर आए चिल्लाए नहीं तो मजा कैसे आएगा भैया जी? नहीं आएगा ना। देखो ना ये कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, हद से ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वाला सबसे प्यारा लग रहा है भाई। की हालत देख रहे हो? हाय 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 हाय, क्या बुरी हालत में है भाई, धुलवाना पड़ेगा बाइक को। वैसे तो हम आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन हमें कुछ दिखा है। ये दिखा, कृपया माता के मंदिर से परिक्रमा करके ही जाए। या अगर आप सुने में भी अगर हम नहीं जाए ना तो पाप लगेगा। वैसे तो हम जा ही रहे थे, लेकिन ये देख लीजिए, सोचा आपको भी दिखाया जाए, क्योंकि अगर आप आए और ना देख पाए तो अभी फिर भी आप जरूर जाए। ऐसा माहौल कियोस्क वाला हो गया है। हम लोग दो तो अलग अलग फोटोग्राफर एक तो साथ ही में पहुंच गए भैया गलती से, तो थोड़ा सा जगह हम लोग बांट ले रहे हैं। अच्छे आदमी है दोनों इंसान, लेकिन थोड़ा कहाँ करेंगे, मैंने रोजी रोटी का सवाल है। तो रोजी रोटी में लात नहीं मारेंगे, अभी हम मजे लेंगे। अरे भाई ये देखिए काले बादल क्या मंडरा रहे, मतलब हम लोग अभी उस रास्ते से पार हो गए। एक बार पीछे तो देखिए क्या सीन है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। भैया जी हमारा ब्लॉग तो वैसे हो चुका है, लेकिन पीछे जो आदमी देख रहे ना कैमरा वाले फोटोग्राफर साहब, ये बोल रहे कि तुम ब्लॉग करो अपना, हम तुम्हारा कुछ बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं उनके ब्लॉग में पता चलेगा, हमारे ब्लॉग में वो नहीं आएगा। हम घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। परिक्रमा आप शुरू करते हैं, तभी तक फोटोग्राफी चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ आए हैं परिक्रमा करने, अभी दो और गाड़ियाँ आई, वो भी यहाँ से परिक्रमा करके ही निकले, तो हम भी करके निकलेंगे। जय हो जय हो। व्यू देख रहे हो? व्यू क्या देख रहे हो? खतरनाक मौसम देख रहे हो? मौसम तो इतना तेजी से खराब हो रहा है कि जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना फायदा होगा। आज से पहले तक जो मिल रहा था ना वो छोटे मोटे ऑफ रोड थे, और अब जो ऑफ रोड मिल रहा है ना उसमें लग रहा है कि हाँ भाई ये है ऑफ रोड, मतलब ये फटके हाथ में आ जाए ऐसा ऑफ रोड है। और 150 सीसी के बाइक में अगर आप हो तब तो आपको सीरियसली यकीन हो जाएगा आपका फट चुका है। बर्फ के पहाड़ियों से नजदीकियां बढ़ रही है, और ये काले बादल जब आते हैं ना तो साथ में एक डर लेके आते हैं। वो डर बरसता नहीं है, वो डर आपके मन में बसता है। भाई साहब कितना नीचे जाना है बे, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो रोड दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। मैं सोच रहा था कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, ये सोच के आपको मैं दिखा नहीं रहा था, लेकिन अब दिखाना ही पड़ेगा। ये रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोड है, और रात के 8 बज चुके हैं। ये प्रॉपर ऑफ रोड है, इसमें जो फटी है ना मेरी, सिर्फ मेरी नहीं फटी तो सबकी ही है। हाय हाय, शायद ही रात के अंधेरे में आपको गोप्रो दिखा पा रहा होगा जो हम अपने खुले आंखों से देख पा रहे हैं। अरे यार लेफ्ट में गिरे तो पार हो जाएगी, लोसर और चंद्रताल के बीच आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप कभी आओगे इस रास्ते से तो मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा तो अच्छा खासा प्लानिंग करके टाइम वेदर देख कर ही आना, क्योंकि बीच में फंसे ना पैदल जाने के लायक रहोगे ना जिंदा बच पाओगे। ठंड भी बहुत ज्यादा होता है अभी के सीजन में, इतना ठंड है तो सोचो अब किस सीजन में आओगे जो यहाँ गर्मी लगेगी, हमेशा यहाँ ठंडी मिलेगा आपको। अरे भाई 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 ये तो कुछ बड़ा ही खतरनाक सीन है जी। आप जाइए पहले। हाँ तो आपका ऑफ रोडिंग बाइक है ना? अरे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है। जय श्री राम। धक्का लगाना पड़ेगा लग रहा है। जय श्री राम। अरे रे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चल भाई। अरे गुड्डू भैया में बहुत दम है जी, हल्के में लिए है क्या? पर जूते में पूरी तरह से पानी जा चुकी है। रुक जाइए, धक्का लगाने आ रहे हैं। जय भोलेनाथ। चलिए चलिए तरीप है, सांस फूल गया। इस चीज का तो हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, रात में इतना खतरनाक सीन होगा कभी सोचा नहीं था। इसी चीज के बारे में मैं बताते आ रहा था, अगर आप 2-3 बजे से पहले पार हो जाओ तब को वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत कम। वाटर क्रॉसिंग की तो लाइन लगी पड़ी है रात में। भाई 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 भाई, ये तो पूरा रोड में ही बह रहा है बे। अब इस पे तो
दिक्कत हो सकती है। राइट से चलता हूँ, कम से कम गिरेंगे भी तो सेफ रहेंगे, लेफ्ट में भाई हड्डी भी ना मिले, ऐसा ऐसा खाई है। अब इतना तेज चल रहा है आज, किस्मत हमारी पूरी लेने के मूड में भाई। इतना मुसीबत कम था क्या, बारिश शुरू हो गया, पूरा अंधेरा, और दिन स्टार्स भी दिखते थे, आज कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा है भाई। सामने लाइट दिख रहा है, मतलब सामने कोई गाँव में तो पहुँचने वाले है। भोलेनाथ बस उस गाँव तक थम जाइए आप, बेस कैंप चंद्रताल लेक, बस 5 मिनट ये बारिश थम जाए भाई। रात को कभी भी रिस्क मत लेना, जो हम गलती किए ना वो आप कभी मत करना, बहुत पछताओगे। रात के 9 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। बहुत ज्यादा ठंडा है, बारिश अभी भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तो सोते हैं भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। मेरा नाम तो हो गया खुशी, लिख दीजिए, और मामी है मेरी बहुत सपोर्टिव मामी है, गीता भी लिख दीजिएगा।